हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौरव सिंह जी एस व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग भाई, होप आप सब बड़े होंगे घर पे। तो यार अपन मीटअप पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, सारे राइडर्स रेडी हो चुके हैं अपने पीछे। तो आज अपन ने राइड, यार संडे है आज, आपको पता ही होगा। तो आज अपन ने राइड ऑर्गेनाइज की है सामोद के लिए। तो अपन अब सामोद के लिए निकल रहे हैं, अंदर रहते हैं, आप राइडिंग के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए चलते हैं। पहुंच चुके हैं मालेश्वर महादेव। तो चलिए आगे अपन शॉर्ट्स वगैरह आपको दिखाते रहेंगे कि पहले अपन को पहाड़ वहाड़ चढ़ना है, फिर उसके बाद अपन ट्रैकिंग पे चलते हैं डायरेक्ट। पहाड़ चढ़ना पड़ेगा तो भाई यार बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है, बट कोई बात नहीं, राइडर्स आर ऑलवेज रेडी टू एडवेंचर। तो चलिए मैं आपको एक बार बाइक्स दिखा देता हूँ कि आज अपने साथ राइड पे कौन कौन सी बाइक्स आई हैं। एवेंजर, डोमिनार, हिमालयन और अपनी R15 वर्जन 3 और अगेन हिमालयन, पल्सर 180 और अपनी NS, KTM ड्यूक और CBR 250R, ये अपनी करंट खड़ी है। फेजर है, एक्सपल्स है और FZ है यार मेरे साथ में। यहाँ से अभी वैसे बारिश के मौसम में झरना वगैरह रहता है, काफी ज़्यादा हाँ वही तो। सो यार देख सकते हैं ऊपर वो टेंपल है, अपन वहाँ पे चल रहे हैं अभी। बाकी ये जो साइड आप देख रहे हैं, इसके यहाँ पे पूरा बारिश के मौसम में पूरा झरना बहता है और वो ठेठ ऊपर से आता है अपने पहाड़ों से निकल के। आज अपने साथ अपने भाई R15 वाले भी आए हैं जिनका नाम है चंदन। ये आज अपनी फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे और अगर आप फोटोज देखना चाहते हैं तो अपने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे आज जबरदस्त फोटोज देखने को मिलेगी। आज अपन को खतरनाक रास्ता पार करना है, चलिए बने रहिए। ओ ओ ओ अर्जुन भाई कहाँ लेके जा रहे हो? झरना, यहाँ आने का प्लान था लेकिन वहां हमारे को पानी की ज्यादा आवश्यकता है तो अब हम ऊपर चढ़ेंगे।
और ऊपर चलना है क्या? Keep going, keep going. ब्रेक देख दुख के मारना तो एक गिरेगा सारे गिरेगा. ओए एबीएस ऑन करना है ना. हां एबीएस ऑन करना सही बात है. बिल्कुल. और करना ऑफ करना उसकी दूरी बनाए रखना. हां उसकी दूरी बनाए रखना. पीछे पीछे में भाई एक आए ना साइड में जाओ. ओहो काफी डिफिकल्ट रास्ता लेकिन चढ़ जाएंगे. भाई आधे पार्ट पे तो चढ़ चुके अपन. थोड़ा और बचा पड़ा अभी. मेरे पीछे देख सकते हैं वहाँ ऊपर जाना है भाई. ज्यादा ऊपर नहीं सही. थक चुके हैं. इनका स्टैमिना थोड़ा कम है. इन्होंने नीचे जो चाय पीते हैं उससे थोड़ा कम है. अच्छा ये बुलेट की तरह है जो गर्म हो रहे हैं की तरह. ये देख सकते हैं आप. ये हल्की बॉडी ज्यादा ऊपर चढ़ गई यार. प्लेटिना ज्यादा चढ़ गई ऊपर. हमारे सीमू भाई भी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. भाई यार ये तो सही खेल गए जल्दी. बहुत जल्दी खेच रहे हैं भाई. तो लगता है भाई बहुत ही शानदार तरीके से चढ़ा जा रहा है हिमालयन के साथ. पावर पहाड़ों वाली बाइक यार. क्या अल्टीमेट वेदर हो रहा है. तो आप देख सकते हैं यार कितना शानदार वेदर हो चुका है. और ये रास्ता भी थोड़ा अपन को और ऊपर चलना है. और मैं आपको एक बार रास्ता दिखा देता हूँ कि अपन अब कहाँ से आए हैं. भाई साहब बहुत मशक्कत करने के बाद अपन यहाँ से आए. तो ये अभी जो देख रहे हैं ये पूरे रास्ते वहाँ से वहाँ जा रहा है. तो यहाँ से अपन पूरा चढ़ के आए. बहुत ही रिस्की मामला था. और आधे अपने जने वहाँ बैठे हुए हैं देख सकते हैं आप. तो अस्सी भाई वगैरह अपने वहाँ बैठे हैं. तो अभी अपन और चलते हैं. बाकी यार इस व्यू के लिए एक लाइक तो बनता है बॉस. तो बाकी अपन आगे चलते हैं. देखो रास्ता तो बहुत ही अल्टीमेट है अब. और जो ये मैं शूट कर रहा हूँ ये अपने रियलमी एक्स फोन से कर रहा हूँ. तो आप देख सकते हैं यार कितना ऊपर अपन आ चुके हैं अभी. तो वो रहा नीचे मंदिर और अपन अभी बहुत ऊपर आ चुके हैं. चलो यार अपन नीचे उतरते हैं. बहुत ज़्यादा हो गई ट्रैकिंग. इतना ही दम था तो ऊपर अपन जा नहीं पाया. बाकी सारे राइडर्स अपन ऊपर गए थे. ऊपर वैसा मतलब अल्टीमेट व्यू सीमू द चीता सबसे पीछे ये उतर रहे हैं. यार काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था यहाँ पे चढ़ना. बट फाइनली अपन ऊपर चढ़ के नीचे भी आ चुके हैं. ये हमारे भाई ये तो ऊपर गए नहीं. मैं लेट हो गया. भाई लेट थे बट, आया हूं। बट ये आए आए. तो गाइज आपके लिए एक बैड न्यूज़ यार. अब हम आए थे तो अपना वाइजर तोड़ चुके हैं बंदर. देख सकते हैं ये टुकड़े पड़े हुए हैं. अब क्या किया जा सकता है यार. सो सैड. और मेरे साथ साथ एक और भाई का अपना नुकसान हुआ है. R15 है तो उसका भी वाइजर तोड़ दिया है बंदरों ने. खैर कोई बात नहीं तो जुड़वा लेंगे. ये देखिए ये टुकड़े पड़े हैं इसके यहाँ पे. और इसका भी वाइजर तोड़ दिया है. और बंदरों ने खूब उधम कराया इस गाड़ी पे भी. तो क्या करें यार. अब राइड पे आए हैं तो खर्चा भी तो बनता ही है. खैर कोई बात नहीं. बाकी नज़ारा देख लो आप. बहुत अच्छा लग रहा है यार. गाड़ी को देख के रोना सा आ रहा है. बट कोई बात नहीं करा लेंगे यार. ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार. अपन ने नाश्ता वगैरह कर लिया है. सो होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा. एंड अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके. तो यार आज अपन ने पहाड़ के ऊपर भी अपन ने ट्रैकिंग वगैरह कर ली और ऑफ रोडिंग में मैंने आपको दिखाई है. तो आपको कैसी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. तो मिलते हैं ऐसे किसी नए ब्लॉग के अंदर. तब तक के लिए टिल द टाइम बाय सेफ.